मित्रों, जब तक आप जो कर रहे हैं उसे पसंद नहीं करते, तब तक आप जीवन में कभी सफलता नहीं पा सकते। जय श्री कृष्ण। मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे उनके बारे में जिनका नाम अंग्रेजी के यस लेटर से शुरू होता है, यानी एस नाम वाले लोगों को वर्ष 2023 में क्या परिणाम मिलेंगे। तो पूरे वर्ष में यस नाम वाले लोगों को क्या परिणाम मिल सकते हैं, इस पर चर्चा करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि वर्ष 2023 में आपको किस तरह के परिणाम मिल सकते हैं जिनका नाम अंग्रेजी के यस अक्षर से शुरू होता है, यस लेटर से शुरू होता है। तो चलिए मित्रों, जानते हैं। सबसे पहले एस नाम वाले लोगों को वर्ष 2023 में धन के मामले में क्या परिणाम मिलेंगे, इस बारे में चर्चा करेंगे, यानी आपके हर क्षेत्र में चर्चा करेंगे, यानी कि धन, व्यापार, नौकरी, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा, वैवाहिक संबंध, प्रेम संबंध, सभी बातों की बात करेंगे कि यश नाम वाले लोगों को वर्ष 2023 में किस तरह के परिणाम मिलेंगे। तो उसमें सबसे पहले जो बात करते हैं वो धन की बात करते हैं। तो धन के मामले में यश नाम वाले लोगों को वर्ष 2023 में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और वर्ष 2023 में अगर देखें तो जो वर्ष के शुरू के जो चार महीने हैं, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, तो यहां पर तो धन के मामले में आपको ज्यादा ही बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। ज्यादा बेहतर से मेरा मतलब है खर्चे आपके बहुत ज्यादा नहीं होंगे, लेकिन आपकी इनकम जो है, जो आपकी आय है, जो भी आप कार्य करते हैं, चाहे नौकरी करते हैं चाहे व्यापार करते हैं, वो आपकी आती रहेगी। और धन के मामले में भी कोई कार्य आपका रुकने वाला नहीं है, धन का आवागमन आपका बना ही रहेगा। तो धन और आय के मामले में वर्ष 2023 में यश नाम वाले लोगों को सामान्य या सामान्य से बेहतर परिणाम मिलने की उम्मीद बनी रहेगी। और वर्ष के जो शुरू के जो चार महीने हैं वो आपको धन और आय के मामले में ज़्यादा बेहतर परिणाम दिखाएंगे। और उसके बाद अगर देखें तो वर्ष के अंतिम दो महीने भी आपके अच्छे जाने वाले हैं। और पूरे वर्ष का देखें तो आपको सामान्य परिणाम मिलेंगे, कोई बहुत दिक्कत वाली बातें धन के और आय के मामले में नहीं है। बात करते हैं व्यापार और नौकरी की। तो व्यापार और नौकरी के मामले में वर्ष 2023 में आपको बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। खासकर अगर आप विदेश में कोई नौकरी कर रहे हैं या फिर किसी मल्टीनेशनल कंपनी में कोई कार्य कर रहे हैं, तो वहां पर आपको ज़्यादा बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे वर्ष 2023 में। तो आप व्यापार कारोबार कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, वर्ष 2023 अच्छे परिणाम दिखाएगा। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखकर चलना होगा कि वर्ष 2023 में आपको खर्चों की अधिकता व्यापार कारोबार को लेकर रह सकती है। इसलिए व्यापार कारोबार में अगर किसी भी तरह का विस्तार करते हैं तो सोच समझ कर करें, वरना वहां पर हानि उठानी पड़ सकती है। क्योंकि वर्ष 2023 में जो भी आप निर्णय लेंगे अपने व्यापार कारोबार में, उन पे आपको विचार अवश्य करना चाहिए। बिना विचार किए हुए कोई निर्णय ना लें, क्योंकि नहीं तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि मानसिक तनाव से दो चार होना पड़ेगा वर्ष 2023 में इस नाम वाले लोगों को। तनाव के चलते आपके फैसले गलत हो सकते हैं, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलें कि अगर व्यापार कारोबार में कोई भी विस्तार करते हैं या फिर कोई भी निर्णय लेते हैं, उस पर आप पूरी तरह से सोच समझ कर ही निर्णय लें, वरना आपको हानि उठानी पड़ेगी। और नौकरी में भी आप देखेंगे कि आपके कार्य क्षेत्र में आपके बॉस के साथ, आपके सहयोगियों के साथ आपके वाद विवाद होते दिखेंगे। ये स्थिति रहने वाली है वर्ष 2023 में। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखकर चलने की बहुत ही आवश्यकता होगी इस नाम वाले लोगों को, नहीं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके व्यापार कारोबार और नौकरी में संघर्ष देखने को मिल सकता है। तो ध्यान रखें कि व्यापार कारोबार और नौकरी में किसी भी तरह का संघर्ष ना हो, इसके लिए आप थोड़ा सा धैर्य और संयम का परिचय दें, तनाव से बच कर रहें और अपने कार्यों को सोच समझकर आगे बढ़ाएं, तभी आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। पारिवारिक जीवन की बात करते हैं। तो पारिवारिक जीवन में वर्ष 2023 में आप देखेंगे आपके मित्रों के साथ और आपके छोटे भाई बहनों के साथ आपके गलतफहमियों के चलते वाद विवाद होते हुए दिखेंगे। तो पारिवारिक जीवन में भी आपको ध्यान रखकर चलना है, तालमेल बनाकर चलना है। पारिवारिक जीवन वर्ष 2023 में पूरे वर्ष अप एंड डाउन दिखाता रहेगा, उतार चढ़ाव बने रहेंगे और आपके वाद विवाद भी हो सकते हैं। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि वहां पर किसी भी तरह के वाद विवाद से बचकर रहें। अपनी माता के साथ भी तालमेल बनाकर रखें, छोटे भाई बहनों के साथ तालमेल बनाकर रखें और पारिवारिक जीवन में वाणी पर संयमित होकर बातचीत करें,
तभी आपके लिए अच्छा रहेगा, वरना आप देखेंगे कि पारिवारिक जीवन में आपके बाद विवाद होते हुए दिखेंगे। पिता के साथ संबंधों में गलतफहमियां ज्यादा हो सकती हैं, उसके चलते कोई ना कोई बात विवाद देखने को मिल सकता है, और माता के साथ क्रोध के चलते कोई बात विवाद हो सकता है, तो वहां पर भी ध्यान रखकर आपको चलना होगा। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के मामले में वर्ष 2023 में आपको मानसिक तनाव वाली जो बात मैं कर रहा हूं कि तनाव के चलते आप स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा बहुत परेशान देखे जा सकते हैं, तो सबसे पहला तो यही है कि आप अपने ऊपर तनाव बिल्कुल हावी ना होने दें वर्ष 2023 में, इस बात का आप विशेष ध्यान रखकर चलें। अगर आप तनाव से बचे रहेंगे तो आधी समस्याएं आपकी दूर रहेंगी। लेकिन स्वास्थ्य को लेकर मैं ये कह दूं कि पूरा वर्ष अच्छा जाने वाला है, ऐसा नहीं है। आपके स्वास्थ्य को लेकर खर्चे हो सकते हैं, कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या नहीं दिख रही है, लेकिन स्वास्थ्य की समस्याओं से इनकार बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। इस नाम वाले लोगों को स्वास्थ्य के मामले में कोताही वैसे भी बिल्कुल भी नहीं बरतनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और इस नाम वाले लोगों के लिए इतना कह रहा हूँ कि स्वास्थ्य के मामले में आपको कोताही बिल्कुल नहीं बरतनी है, स्वस्थ दिनचर्या अपनानी है, योग प्राणायाम करना है, तनाव से बचना है। अगर कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या चल रही है तो दवाइयाँ समय पर लेनी है, तो स्वास्थ्य के मामले में आपको ध्यान रखकर चलना है। बाकी कोई ज़्यादा दिक्कतें नहीं है स्वास्थ्य को लेकर, लेकिन जो भी समस्याएं होती हैं उनमें कोताही बिल्कुल ना बरतें, डॉक्टर से परामर्श लेना ना भूलें। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के मामले में आप कहीं भी कोई भी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वहाँ पर आप अच्छा कर पाएंगे, लेकिन बात यही है कि आपको मेहनत के बाद ही परिणाम मिलेंगे, ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता दिखेगी आपको वर्ष 2023 में, क्योंकि आपके मन में एकाग्रता की कमी कई बार देखी जाएगी। इसलिए शिक्षा में आप अपने मन को एकाग्र रखें, और कोई भी समस्या आती है तो अपनी शिक्षा को बाधित ना होने दें, इस बात का ध्यान रखकर चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हालांकि शिक्षा किसी भी प्रकार की ग्रहण कर रहे हैं, ज़्यादा मेहनत करते हुए आप दिखाई देंगे और उसके फिर परिणाम भी आपको अच्छे मिलेंगे। बात करते हैं वैवाहिक संबंधों की, तो वैवाहिक संबंधों में यश नाम वाले लोगों को इस वर्ष आपके जीवन साथी के साथ पूरे वर्ष कुछ न कुछ बातचीत होती रहेगी, मतलब पूरा वर्ष आपका सामान्य रहेगा, और ये कह दें कि गलत रहेगा तो गलत नहीं रहेगा, लेकिन आपके मानसिक तनाव के चलते, आपके गलत फहमियों के चलते, आपके क्रोध के चलते आप देखेंगे आपके जीवन साथी के साथ पूरे वर्ष कुछ न कुछ खटपट चलती रहेगी। तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखकर चलें कि आप अपने जीवन साथी के साथ कोई भी बातचीत होती है, कोई भी गलत फहमी होती है, तो उसको स्पष्टता से सुलझाएं। आप उन बातों को बड़ा बिल्कुल ना करें, इस बात का ध्यान रखें, और अपने जीवन साथी की बातों को भी सुनने की आदत डालें। ये नहीं है कि आप बोलते ही जा रहे हैं, आप कोई बातें नहीं सुन रहे हैं और क्रोध कर रहे हैं तो वाद विवाद देखने को मिलेंगे। इसलिए जीवन साथी के साथ कोई भी बातचीत होती है किसी भी तरह की, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है। वाद विवाद से बचना है, बातों को बड़ा नहीं करना है, तो फिर आपके वैवाहिक जीवन अच्छे रहेंगे, वरना आपके वैवाहिक जीवन में अप एंड डाउन देखने को मिल सकते हैं वर्ष 2023 में। आपकी वाणी के चलते, आपकी गलतफहमियों के चलते, आपके बाद विवाद के चलते ये चीज़ें हो सकती हैं, इस बात का थोड़ा सा आप ध्यान रखकर चलें। प्रेम संबंध की बात करें तो प्रेम संबंधों में भी यही चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि वर्ष 2023 में इस नाम वाले लोगों के क्रोध में और गलतफहमियों में और तनाव में आपको बढ़ोतरी दिखेगी, और इस कारण ये बात हो सकती है कि आपके जो भी पार्टनर हैं, चाहे आपके प्रेम संबंध है, चाहे वैवाहिक संबंध है, या फिर कोई व्यापारिक पार्टनर भी है, वहाँ पर आपके जल्दी जल्दी वाद विवाद होते हुए दिखेंगे। तो इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो फिर वर्ष 2023 आपको परिणाम तो अच्छे दे सकता है, व्यापार कारोबार नौकरी धन सभी में, लेकिन आपकी वाणी के चलते चीजें खराब हो सकती हैं, इसलिए वहां पर ध्यान रखकर चलें। और यह बात आपको प्रेम संबंधों में भी ध्यान रखनी है कि आप अपने प्रेमी प्रेमिका पर बहुत ज्यादा गलत फहमियां ना पालें, और अपने प्रेम संबंधों में अपने साथी पर विश्वास बनाकर रखें, और अगर कोई भी बातचीत होती है तो तीसरे व्यक्ति को एंट्री ना दें, और अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ संबंध अच्छे बनाकर रखें, और एक दूसरे के साथ समझौता करें। अगर कोई भी बातचीत ऐसी होती है तो उसको बड़ा नहीं करना है। अगर आप बड़ा करेंगे तो आप ध्यान रखें कि आपकी बातें ज्यादा बड़ी हो जाएंगी इस वर्ष, तो प्रेम संबंधों में भी इस बात का ध्यान रखकर आप चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कुल मिलाकर मैं यही कहूँगा कि आपका वर्ष 2023 सामान्य रहेगा या फिर सामान्य से बेहतर परिणाम भी दे सकता है, लेकिन थोड़ा सा आपको समझौतावादी रवैया अपनाना होगा। और अगर आपने अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं किया, गलत फहमियों पर नियंत्रण नहीं किया, और आपने अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं किया, तो फिर आप ध्यान रखकर चलें कि फिर आपके संबंधों में वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं। तो संबंधों में इस बात का ध्यान रखें, और बाकी परिणाम आपको सामान्य सामान्य से बेहतर देखने को मिलेंगे। तो यश नाम वाले लोगों को कुछ इस तरह के परिणाम देखने को मिल सकते हैं वर्ष 2023 में।
तो मित्रों, आज मैंने आपसे इस नाम वाले लोगों के वर्ष 2023 के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।